हेलो गाइस, दिस इज करिश्मा और सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में आज हम एनसीईआरटी की एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द फॉलोइंग। इन सबके हमको मोलर मास कैलकुलेट करना है। तो मोलर मास कैसे कैलकुलेट करते हैं कि जितने भी एलिमेंट होते हैं उनके मोलर मास को आपको सम कर देना है और साथ में उसके जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, जैसे यहाँ पर H2 लिखा है तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे यदि हमको मोलर मास किसका निकालना है, H2O। तो इसमें फर्स्ट एलिमेंट हमारा क्या है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के कितने आइटम है, 2 आइटम। प्लस इसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट जब आएगा तो हम प्लस लगाएंगे, प्लस ऑक्सीजन कितना है, 1। तो इसके नंबर ऑफ एटम से इसको मल्टीप्लाई करते हैं और जो दो एलिमेंट होते हैं उनके मोलर मास को प्लस कर देते हैं। तो हाइड्रोजन का मास होता है 1 और ऑक्सीजन का होता है 60। इसको आप टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 18। ऐसे ही मोलर मास हम CO2 का कैलकुलेट कर लेंगे। कार्बन 1, ऑक्सीजन 2 है, तो कार्बन 12 × 1 प्लस 2 × 60। इसको आप टोटल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 + 32, ये हो जाएगा 44 CO2 का मोलर मास। थर्ड, आप मीथेन का मोलर मास कैलकुलेट करना चाहते हैं, इसके लिए कार्बन का एक एटम है 12 प्लस 4 × हाइड्रोजन का मोलर मास कितना होता है, 1। ये टोटल कितना आ जाएगा, 60 इसका मोलर मास। सेकंड क्वेश्चन है, कैलकुलेट मास परसेंट ऑफ डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन Na2SO4। मतलब ये एक हमारे पास कंपाउंड है Na2SO4, इसमें हमें सोडियम का परसेंट बताना है कितना, सल्फर का परसेंट बताना है और ऑक्सीजन का बताना है। तो परसेंट मास परसेंट निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, मास परसेंट इज इक्वल्स टू होता है मास ऑफ दैट एलिमेंट डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द कंपाउंड इंटू 100। तो यदि हम इसके लिए निकाल रहे हैं, फर्स्ट यदि हम सोडियम का परसेंट निकालते हैं तो मास ऑफ दैट एलिमेंट सोडियम का मास कितना होता है, उसका मोलर मास होता है 23। ठीक है, तो टोटल उसका कितने सोडियम के एटम है, 2। तो इसीलिए हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। टोटल मास ऑफ द कंपाउंड, इस पूरे कंपाउंड का मोलर मास क्या होगा, तो Na के 2 एटम है तो 2 × 23 ये हो जाएगा 46। सल्फर इसमें एक ही प्रेजेंट है तो ये होगा 32। ऑक्सीजन इसमें 4 प्रेजेंट है तो 16 × 4 ये हो जाएगा 64। आप इसको टोटल करेंगे तो कितना आएगा, 142। इसको सॉल्व कर लेंगे और इसका परसेंट निकालेंगे तो 46 डिवाइडेड बाय 142 इसका परसेंट आएगा 32.4%। इसके बाद अब हम निकालेंगे सल्फर का परसेंट, सल्फर मास परसेंट इन Na2SO4। तो सल्फर का मास ऑफ दैट एलिमेंट, सल्फर का मास कितना है, 32 डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द कंपाउंड कितना हो जाएगा, 142 × 100 परसेंट निकालेंगे। तो ये कैलकुलेट होकर आएगा 22.6%। इसके बाद हम ऑक्सीजन का परसेंट निकालेंगे तो मास ऑफ दैट एलिमेंट, उस एलिमेंट का टोटल मास कितना, ऑक्सीजन कितने हैं, 4। तो 16 × 4 डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द कंपाउंड 142। तो ये कैलकुलेट होगा 64 डिवाइडेड बाय 64 × 100 142। ये कैलकुलेट हो जाएगा 44.05%। ऐसे इसको कैलकुलेट करेंगे आप, यदि इसका और इसका सम करेंगे तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 100%। इसके बाद 1.3 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1.3 और क्वेश्चन नंबर 1.8। ये क्वेश्चन सेम ही, देखिए इसमें क्या बोला है, डिटरमाइन द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ एन ऑक्साइड ऑफ आयरन विच हैज 69.9% आयरन एंड 30.1% ऑक्सीजन। ये दोनों का परसेंट दिया हुआ है, हमें एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालना है और 1.8 में बोला है कि मॉलिकुलर फॉर्मूला निकालिए। ठीक है, यहाँ पर हमें एम्पिरिकल फॉर्मूला का भी क्वेश्चन पूछा है, आगे इस क्वेश्चन में यही है सेम। देखिए परसेंट भी वही दिया हुआ है, बस हमसे मास परसेंट ऑफ Fe इज 69.9% एंड 30.1% इसमें ऑक्सीजन दिया हुआ है, सेम वही है, बस हमने उसमें मॉलिकुलर फॉर्मूला निकाला। तो हम इसको सॉल्व करते हैं और
साथ में हम मॉलिकुलर फॉर्मूला भी निकालेंगे तो वो भी सॉल्व हो जाएगा। तो फर्स्ट हम इसको टेबुलर फॉर्म में सॉल्व करते हैं। कॉलम बनाएंगे एलिमेंट, एलिमेंट परसेंट, मास, फिर हम एटॉमिक रेशियो निकालेंगे। इस एटॉमिक रेशियो को नंबर ऑफ एटम्स भी बोला जाता है, ये कैसे निकलता है, परसेंट डिवाइडेड बाय मास। इसके बाद हम इसका सिंपल रेशियो निकालेंगे। देखिए हमारे पास सिर्फ दो एलिमेंट है, एक है आयरन जो कि 69.9% और एक है ऑक्सीजन जो कि 30.1%। मास एफी का मास होता है 56 और ऑक्सीजन का होता है 60। एटॉमिक रेशियो निकालने के लिए आप 60% को मास से डिवाइड करेंगे, 56 30.1 डिवाइडेड बाय 60, तो यहाँ पर आपका क्या निकल जाएगा, एटॉमिक रेशियो। तो जब आप इसको इससे डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आएगी 1.25 और 30.1 डिवाइडेड बाय 16 इसकी वैल्यू होगी 1.88। अब सिंपल रेशियो कैसे निकलता है कि जो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू होती है, ठीक है, उससे आप सभी को डिवाइड करते हैं। जैसे इस पर हमारी स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है, 1.25, तो 1.25 को हम 1.25 से ही डिवाइड करेंगे और यहाँ पर भी हम 1.88 को 1.25 से डिवाइड करेंगे। तो आंसर यहाँ पर आएगा 1 और इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये होगा 1.5। अब देखिए सिंपल रेशियो कभी भी निकालते हैं तो सिंपल रेशियो क्या होना चाहिए, जब आप इंपेरिकल फॉर्मूला बनाते हैं तो इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होता है, एक सिंपल होल नंबर रेशियो होता है। ये तो हमारा होल नंबर नहीं है, तो होल नंबर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा सिंपल होल नंबर रेशियो क्या आ जाएगा, 2, और ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3। आप ये जो सिंपल होल नंबर रेशियो है इसी को हम क्या बोलते हैं, इंपेरिकल फॉर्मूला। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे हमारा एम्पेरिकल फॉर्मूला, ये हो जाएगा एफी कितना दिया हुआ है, 2, तो एफी के नीचे उसका नंबर आ जाएगा, ऑक्सीजन कितना दिया हुआ है, तो Fe2O3, ये हमारा क्या हो गया, एम्पेरिकल फॉर्मूला। अब यदि हमें मॉलिकुलर फॉर्मूला निकालना है, इसमें बोला है ना मॉलिकुलर फॉर्मूला, अब ये क्वेश्चन तो यहाँ पर सॉल्व हो गया, हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मॉलिकुलर फॉर्मूला इज इक्वल्स टू होता है एन इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो एन की वैल्यू यदि हमें पता हो जाए तो हम उसको एम्पेरिकल फॉर्मूला जो है उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, मॉलिकुलर फॉर्मूला। लेकिन एन की वैल्यू और भी कैसे निकलती है, एन की वैल्यू ऐसे भी निकल जाती है कि एन इज इक्वल्स टू क्या होता है, मॉलिकुलर वेट डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल वेट। तो मॉलिकुलर वेट हमें कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, 159.8 डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल वेट जो है वो हम इससे निकाल सकते हैं, इस फॉर्मूले से हम इसका वेट निकाल सकते हैं। तो Fe2O3 का जब आप वेट निकालेंगे तो देखिए Fe का मास कितना होता है, 56 × 2 करेंगे, और ऑक्सीजन का मास होता है 16 × 3 करेंगे। तो ये टोटल मास जो इसका आता है वो कितना आएगा, 160। देखिए अप्रोक्स वही वैल्यू है, 159.8 को आप 160 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1। तो जहां भी n की वैल्यू 1 होती है वहां पर इंपेरिकल फॉर्मूला और मॉलिकुलर फॉर्मूला हमेशा क्या होते हैं, सेम होते हैं। देखिए यदि मैं n की वैल्यू को यहाँ पर 1 पुट करती हूँ इस फॉर्मूले में तो मेरा मॉलिकुलर फॉर्मूला क्या बन जाएगा, मॉलिकुलर फॉर्मूला इज इक्वल्स टू होगा 1 × Fe2O3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मॉलिकुलर फॉर्मूला भी क्या होगा, Fe2O3। तो इसका इंपेरिकल फॉर्मूला मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1.4 है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट वुड बी प्रोड्यूस्ड बाय, ये उसने कंडीशन बताई हुई है कि यदि आप 1 मोल कार्बन को बर्न करवाते हैं तब एयर में बर्न करवाते हैं तब आपको कितनी CO2 मिलेगी। सपोज जैसे कार्बन है और कार्बन कितना बोला है इसने, 1 मोल कार्बन, तो ये आपने 1 मोल कार्बन लिया, इसको आपने एयर में बर्न करवाया तो यहाँ पर CO2 बने, तो कितना CO2 का अमाउंट बनेगा वो पूछा है, ठीक है। तो 1 मोल कार्बन से 1 मोल क्या बनती है, CO2 बनती है।
तो यदि आप ये जो नंबर ऑफ मोल्स है इसको यदि आप कन्वर्ट करना चाहे मास में, अमाउंट पूछा है, ठीक है, तो आप मास में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू होता है मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपके पास? मास आ जाएगा। तो नंबर ऑफ मोल्स तो आपको पता है कितना, इसके 1, और मोलर मास कार्बन का कितना होता है? 12। तो इसका मास कितना आ गया? 12। ठीक है, ये किसका मास है? ये कार्बन का मास है, मास ऑफ कार्बन। यहां पर देखिए इसके 12 ग्राम से आप या तो डायरेक्ट ऐसे निकाल सकते हैं कि इसके 1 मोल से इसका 1 मोल बन रहा है, तो डायरेक्ट इसके नंबर ऑफ मोल से इसके मोलर मास को मल्टीप्लाई करके आप इसका मास निकाल सकते हैं। तो इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? 1। इसका मोलर मास कितना होता है CO2 का? 44। इसके पहले अभी हमने निकाला था, तो मास कितना आ जाएगा? 44 ग्राम। यदि आप 1 मोल कार्बन को बर्न करेंगे तो उससे 1 मोल CO2 बनेगा, या आप ऐसे समझ सकते हैं कि 1 मोल से 44 ग्राम क्या बन रही है? CO2। या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि 1 मोल कार्बन से 1 मोल CO2 बन रहा है और 12 ग्राम कार्बन से 44 ग्राम CO2 बन रहा है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्न इन, ये हमने कार्बन लिया, इसको 1 मोल लेना है। फिर क्या बोल रहा है? ऑफ कार्बन इज बर्न इन, इसको बर्न करना है आपको, डाई ऑक्सीजन कितना लेना है? लेकिन यहाँ पर वो कितना बताया है? 16 ग्राम। तो ये अभी आपको ग्राम में दिया हुआ है, आप इसको नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट कर लीजिए। तो इसको नंबर ऑफ मोल्स में करेंगे तो मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, मतलब कि इसके नंबर ऑफ मास कितना दिया हुआ है? 16 ग्राम। मोलर मास ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। डाई ऑक्सीजन का कितना होगा? 32। तो यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स आपके कितने आ जाएंगे? 0.5। और यहाँ पर क्या आप बन रही है? CO2। तो यदि आपने देखिए यहाँ पर तो 1 मोल इसको लिया था और ये भी क्या था? 1 मोल। तब आपका कार्बन डाइऑक्साइड कितना बन रहा था? 1 मोल। लेकिन यहाँ पर इसका 1 मोल इसका 1 मोल मिलके कार्बन डाइऑक्साइड का 1 मोल बना। तो यहाँ पर यदि कार्बन का 1 मोल होता है तो आपको ऑक्सीजन के भी कितने चाहिए? 1 मोल। तभी क्या बनेगी? 1 मोल CO2 बनेगी। लेकिन अभी यहाँ पर तो ये आपका एज अ लिमिटिंग रिएजेंट वर्क कर रहा है, ये भी कम है। लेकिन जब इसके 1 मोल से इसका 1 मोल रिएक्ट करता है तो उसके पास यदि 0.5 मोल है तो कार्बन का भी कितना रिएक्ट करेगा इसके साथ? 0.5 मोल कार्बन रिएक्ट होगा किसके साथ? 0.5 मोल O2 के साथ। और यहाँ पर फिर CO2 कितना प्रोड्यूस होगा आपका? ये भी 0.5 मोल। देखिए 1 मोल O2 से क्या बन रहा है? 1 मोल CO2। तो यहाँ पर 0.5 मोल से क्या बनेगा? 0.5 मोल CO2 बनेगा। अब नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास से मल्टीप्लाई करेंगे आप तो क्या आ जाएगा? इसका मास आ जाएगा, अमाउंट पूछा। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने? 0.5 इनटू मोलर मास कितना होता है? 44। तो यहाँ पर मास आ जाएगा 22 ग्राम। अब हम थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। 2 मोल ऑफ कार्बन आर बर्न इन 16 ग्राम ऑफ डाई ऑक्सीजन। अभी हमने यहाँ पर 1 मोल के लिए सॉल्व किया, अभी हम 2 मोल के लिए। कार्बन है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हो रहा है, CO2 को फॉर्म कर रहा है। अभी कंडीशन क्या है? इसको आपने कितने मोल लिए है? 2 मोल लिए। जबकि पहले तो इस इक्वेशन से देखते हैं हम कि 1 मोल कार्बन रिएक्ट करता है 1 मोल O2 के साथ और 1 मोल CO2 को ये बनाता है, ठीक है। 1 मोल अभी यहाँ पर यदि हमने इसको 2 मोल ले लिया तो ये इसके 2 मोल के साथ रिएक्ट करेगा और 2 मोल बनाएगा। लेकिन वो कंडीशन क्या दे गए हैं? इसका आप 2 मोल लीजिए और 16 ग्राम इसको बताया। इसको हम नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं मास को, तो n इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो मास 16 है, मोलर मास हमें 32 दिया हुआ है, तो n कितना निकल के आएगा? 0.5 मोल, ठीक है। तो मैं इसको क्लीन कर रही हूँ, मोल के फॉर्म में लिख। इसके 2 मोल है और इसके कितने मोल है? 0.5 मोल है। ये आपको कंडीशन दी हुई है और क्या पूछा हुआ है कि CO2 का मास बताओ। तो CO2 का मास कितना बनेगा? देखिए इसके इसके 1 मोल से अभी यहाँ पर इसके 1 मोल के साथ इसका 1 मोल रिएक्ट कर रहा है, तो यदि यहाँ पर 2 मोल है तो यहाँ पर कितने होने चाहिए थे? 2। लेकिन अभी वो उतना नहीं है, कितना है? 0.5 मोल। मतलब ये कैसे वर्क कर रहा है? एज अ लिमिटिंग रिएजेंट वर्क कर रहा है। तो जब ये 0.5 मोल प्रेजेंट है तो वो कितने कार्बन के साथ रिएक्ट होगा? 0.5 मोल कार्बन के साथ ही रिएक्ट होगा, O2 0.5 मोल। और यहाँ पर जो CO2 बनेगी वो भी कितनी बनेगी? 0.5 मोल। देखिए लिमिटिंग रिएजेंट पर डिपेंड करता है कि प्रोडक्ट क्या होगा,
ठीक है, यहाँ पर आपने 2 मोल लिए थे, इस पर डिपेंड नहीं करेगा। ये यहाँ पर हमको दिख रहा है कि ये लिमिटिंग रिएजेंट है, क्यों? क्योंकि 1 मोल के साथ 1 मोल ही रिएक्ट होता है, तो 2 मोल थे तो यहाँ पर 2 मोल होना था, पर यहाँ पर 0.5 मोल। इसकी क्वांटिटी पर डिपेंड करेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड कितना बनेगा, तो कितना बनेगा 0.5 मोल। और इसको यदि हम मास में कन्वर्ट करें तो ये निकल आएगा 0.5 × मोलर मास, इसका कितना है 30 मोलर मास है, 44। तो मास हमारा कितना हो जाएगा 22 ग्राम। इसके बाद हम 1.5 क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1.5 में बोला है कैलकुलेट द मास ऑफ CH3COOH में रिक्वायर्ड टू मेक 500 ml ऑफ 0.375 मोलर एक्वस सॉल्यूशन। मोलर मास ऑफ सोडियम एसिटेट ये भी दिया हुआ है आपको 82.0245 ग्राम पर मोल। अब देखिए इसमें बोला मोलर एक्वस सॉल्यूशन, इसका मतलब क्या है कि ये मोलरिटी बता रहा है कि इसकी मोलरिटी कितनी है। मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन 0.375 है। अब वो हमसे क्या बोल रहा है कि हमें क्या कैलकुलेट करना है, मास ऑफ CH3COOH ये हमें निकालना है, और फिर हमें मोलर मास दिया हुआ है CH3COOH का, वो कितना है 82.0245 ग्राम पर मोल दिया है। ठीक है, अब देखिए मोलरिटी का बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस आप मोलरिटी का फॉर्मूला लगाएंगे। मोलरिटी इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो सॉल्यूट हमारा क्या है यहाँ पर CH3COOH, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH3COOH सोडियम एसिटेट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो नंबर ऑफ मोल्स को आप इस एन को आप क्या लिखते हैं, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, तो बस वही आपको पुट करना है, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। ये दोनों किसके हैं, सोडियम एसिटेट के, मास ऑफ सोडियम एसिटेट मोलर मास ऑफ सोडियम एसिटेट इनटू इसी नंबर ऑफ मोल्स को तो आपने यहाँ पर पुट किया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, तो मैंने इसको शॉर्ट में ऐसे लिखा। अभी हमें मोलरिटी कितनी दी हुई है देखो 0.375, और मास तो हमें मास ऑफ CH3COOH ये हमें कैलकुलेट करना है। मोलर मास इसका दिया हुआ है 82.0245 इंटू वॉल्यूम कितना बोला है 500 ml, तो 500 ml बोला है, इसको हम 1000 से डिवाइड करके हम कन्वर्ट कर लेंगे किसमें, लीटर में, तो बस इसको सॉल्व कर लेंगे आप, और हमारा क्या आ जाएगा मास ऑफ CH3COOH 0.375 × 82.0245 × इसको यदि हम ऊपर ले जा लें तो ये कट हो जाएगा 2 टाइम डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, इज इक्वल्स टू होगा मास ऑफ सोडियम एसिटेट, तो ये कैलकुलेट हो जाएगा 15.38 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1.6 कैलकुलेट द कंसेंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड इन मोल पर लीटर। मोल पर लीटर किसकी यूनिट होती है, मोलरिटी की, मतलब हमसे क्या पूछा है, मोलरिटी पूछा, किसकी मोलरिटी HNO3 की, ऑफ HNO3 ये हमसे पूछा। इन अ सैंपल विच हैज डेंसिटी, और डेंसिटी हमको कितनी दी हुई है 0.14 ग्राम पर ml, द मास परसेंट ऑफ नाइट्रिक एसिड इन इट बीइंग 69%, तो देखिए 69% HNO3 का मतलब क्या है, ये क्या है मास परसेंट है, मास परसेंट, इसका मतलब ये होता है कि 69 ग्राम HNO3 इज डिजॉल्व इन 100 ग्राम सॉल्यूशन।
तो देखिए हमारे पास अब हमें निकालना है मोलरिटी, तो मोलरिटी का फॉर्मूला करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ऑफ सॉल्यूट मतलब हम HNO3 को ले, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। नंबर ऑफ मोल्स को हम क्या लिखते हैं, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो मास ऑफ HNO3 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ HNO3 इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब हम वैल्यू को पुट करेंगे, देखिए मास ऑफ HNO3 हमारे पास आ गया कैसे, इसने बता दिया हमें 69% HNO3 ने बताया कि 69 ग्राम प्रेजेंट है, मतलब मास कितना है इसका 69। मोलर मास HNO3 का हम निकाल लेंगे, तो HNO3 का मोलर मास होगा H का 1, N का होता है 14 और O3 है, तो इसके लिए हो जाएगा 16 × 3, 48। तो इनको हम कैलकुलेट कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 63। तो 69 डिवाइडेड बाय 63 मोलर मास हो गए। वॉल्यूम के लिए अब हम वॉल्यूम को कैसे निकालेंगे, देखिए यहां पर दिया हुआ है कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन नहीं दिया है, सॉल्यूशन हमें किसमें दिया हुआ है, ग्राम में दिया हुआ है। तो डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। हमारे पास क्या, हमें क्या निकालना चाहिए यहाँ पर, वॉल्यूम चाहिए। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी, यदि हम करें तो हमारे पास वॉल्यूम आ सकता है। देखिए डेंसिटी की वैल्यू दी हुई है ये, और मास हमें यहाँ से मिल गया 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। तो हम वैल्यू को पुट करेंगे 100 डिवाइडेड बाय 1.41 ग्राम पर ml, ये हमारा ग्राम है, ये ग्राम पर ml, तो ये इससे कट हो जाएगा, तो वॉल्यूम हमारा किसमें आ जाएगा ml में, 70.92 ml वॉल्यूम कैलकुलेट होगा। इसको हम यहाँ पर पुट करेंगे 70.92 ml, लेकिन हमें इसको किसमें, ये भी ml में, हमें इसको किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, लीटर में, हम इसको 1000 से डिवाइड करेंगे और बस हम कैलकुलेट कर लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। आंसर होगा हमारा 69, मोलरिटी इज इक्वल्स टू 69,000 डिवाइडेड बाय 63 × 70.92। मोलरिटी कैलकुलेट होकर आगे 15.44 मोल पर लीटर। क्वेश्चन नंबर 1.7 है, हाउ मच कॉपर कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम 100 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट। देखिए ये कॉपर सल्फेट है, ये कितना है 1 मोल, तो 1 मोल कॉपर सल्फेट जो है उसमें कॉपर कितना है, 1 मोल कॉपर है। यदि मैं आपसे पूछूं ऑक्सीजन कितने हैं, तो इसमें 4 मोल ऑक्सीजन है, 4 एटम ऑक्सीजन मतलब 4 मोल ऑक्सीजन है, ठीक है। तो CuSO4 1 मोल में 1 मोल कॉपर है। यदि इस मोल को आप ग्राम में कन्वर्ट कर लें, तो ग्राम में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं आप, मतलब कि मास में कन्वर्ट, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो नंबर ऑफ मोल इनटू मोलर मास इज इक्वल टू कितना होता है, क्या होता है, मास, ठीक है। तो मोल्स कितने हैं इसके, 1। मोलर मास इसका कितना हो जाएगा, CuSO4 का मोलर मास कैसे निकालेंगे, कॉपर का होगा 64, सल्फर का होगा 32 और ऑक्सीजन 4 है, तो 64 का हो जाएगा 64, 160 इसका क्या आ जाएगा, मोलर मास, ठीक है। ये क्या आ जाएगा इसका, मास, मास कितना हो जाएगा इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो 160। यदि आप मोल के टर्म में देखें, लेकिन हमसे किसकी टर्म में पूछा है, ग्राम की टर्म में, तो हमने मोल को ग्राम में कन्वर्ट कर लिया, तो 1 मोल से इसका 1 मोल बन गया, तो ये कितना है अभी, यदि हमने इसको ग्राम में देखा तो ये 160 ग्राम। तो 160 ग्राम से कॉपर कितना बनता है, 1 मोल, इसको भी हम ग्राम में कन्वर्ट करते हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, मास ऑफ कॉपर। नंबर ऑफ मोल्स इसके 1 है, मोलर मास कॉपर का होता है 64 ग्राम, तो मतलब मास ऑफ कॉपर कितना आ गया हमारा, 64 ग्राम। देखिए 1 मोल कॉपर सल्फेट से 1 मोल कॉपर बनता है,
और इसी को आप क्या बोल सकते हैं कि 160 ग्राम कॉपर सल्फेट से 60 ग्राम हमें कॉपर मिलता है। तो 100 ग्राम कॉपर सल्फेट से हमें कितना कॉपर मिलेगा? 64 × 100 / 160। तो इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 40 ग्राम हमें क्या मिलेगा? सीयू मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 1.8 हमने कर लिया था। 1.9 को हम देखते हैं। कैलकुलेट एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन यूजिंग द फॉलोइंग डेटा। ये हमें डेटा दिया हुआ है। इसमें दो क्लोरीन के दो आइसोटोप्स हैं। आइसोटोप्स का मतलब ये होता है कि उसमें नंबर, देखिए एटम जो बनता है वो किससे बनता है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में, और इलेक्ट्रॉन बाहर होते हैं। इलेक्ट्रॉन पर जो मास होता है वो बहुत ही नेग्लिजिबल होता है, इसीलिए हम उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो इन दोनों के मास का जो सम होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? एटॉमिक मास बोलते हैं, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन का मास। तो क्या होता है कि नंबर, एटॉमिक नंबर जो होता है वो तो हमेशा क्या, एटॉमिक नंबर हमेशा डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन के नंबर पर और प्रोटॉन के नंबर पर। तो ये दोनों तो हर किसी एलिमेंट में सेम होते हैं, जैसे इन दोनों में सेम होते हैं, 17 17 ही होता है। लेकिन जो एटॉमिक मास होता है वो न्यूट्रॉन का नंबर चेंज हो जाने के कारण, ठीक है, इन दोनों का समी, इन दोनों का सम आप करते हैं तो क्या आता है? एटॉमिक मास। और यदि प्रोटॉन का तो नंबर फिक्स है, इसमें भी 17 ही होगा, इसमें भी 17 होगा। आइसोटोप्स क्यों फॉर्म होते हैं? जब उनमें न्यूट्रॉन का नंबर चेंज हो जाता है, मतलब इन दोनों में न्यूट्रॉन का नंबर चेंज हो गया, इसमें दो न्यूट्रॉन ज्यादा होंगे। तो आइसो और केमिकल रिएक्टिविटी किस पर डिपेंड करती है? एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करती है, एटॉमिक मास पर डिपेंड नहीं करती है। तो आइसोटोप्स ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट होते हैं, उनको एक दूसरे के आइसोटोप्स होते हैं। तो यदि आप एक कोई कंपाउंड देखेंगे, जैसे आपके पास यदि थोड़ी सी क्लोरीन है, ठीक है, क्लोरीन गैस है, तो उसमें आप ये नहीं बोल सकते कि आपके पास प्योरली जो क्लोरीन है वो 35 एटॉमिक मास वाली है या क्लोरीन जो है वो 37 एटॉमिक मास वाली है, ठीक है। तो हम फिर क्या देखते हैं कि एबंडेंस देखते हैं कि इनकी एबंडेंस कितनी है और इनका मोलर मास कितना है। इन फिर हम क्या निकालते हैं? इनका एवरेज निकालते हैं। तो फाइनली ये डिटेक्ट कर पाना कि क्लोरीन जो है वो कितने परसेंट ये प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है, ये तो बहुत मुश्किल काम है। फिर हम क्या निकालते हैं? इनका एवरेज एटॉमिक मास निकालते हैं। तो एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकलता है देखिए। जो फर्स्ट आइसोटोप होता है, उसकी एबंडेंस को, आप क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं उसके मोलर मास प्लस सेकेंड आइसोटोप जो है उसकी एबंडेंस को आप मल्टीप्लाई करेंगे उसी के मोलर मास, ठीक है। मतलब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। इसके बाद हमें तो एवरेज निकालना है, तो डिवाइड कर दीजिए 100। तो किसी भी एलिमेंट का एवरेज एटॉमिक मास ऐसे ही फाइंड आउट होगा, ठीक है। तो अब हम वैल्यू को पुट करते हैं। फर्स्ट आइसोटोप की एबंडेंस कितनी है? 75.77 into, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे, 34.9689 प्लस, फिर हम क्या करेंगे? 24 × 24.33 × 36.9659 इस पूरे को हम डिवाइड कर देंगे किससे? 100 से। परसेंट दिया हुआ था ना वहां पर, परसेंट में दी हुए नेचुरल एवरेज, उसको कैलकुलेट करने पर जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 35.453। तो इसको अप्रोक्स हम कितना ले लेते हैं? 35.5 हम मानते हैं कि जो क्लोरीन है उसका वेट एवरेज निकल के कितना आ रहा होगा? एक एटम का 35.5। नेक्स्ट क्वेश्चन 1.10। इन 3 मोल्स ऑफ इथेन कैलकुलेट द फॉलोइंग। इथेन के 3 मोल में आपको क्या क्या कैलकुलेट करना है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन इथेन। देखिए फर्स्ट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन एटम, C2H6 यदि 1 मोल होता है, देखिए 1 मोल है,
तो इस वन मोल में कार्बन एटम कितने? टू मोल कार्बन एटम, ठीक है, सी टू लिखा हुआ है ना, मतलब टू मोल कार्बन। यदि हम इसको थ्री ले, इसको यदि हम थ्री मोल ले, तो ये कितने हो जाएंगे? टू इंटू थ्री मोल, मतलब सिक्स मोल कार्बन एटम इन थ्री मोल सी टू एच सिक्स। अब पूछा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम कितने होंगे? तीन मोल। सी टू एच सिक्स का यदि एक मोल होता है तो इसमें हाइड्रोजन कितने होते हैं? सिक्स मोल हाइड्रोजन होते हैं, वन मोल। तो इसने बोला है थ्री मोल में कितने होंगे? सिक्स इंटू थ्री, एटीन मोल क्या होंगे इसमें? हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे, ठीक है। अब बोल रहा है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन मीथेन सी टू एच सिक्स यदि वन मोल होता है, ठीक है, तो वन मोल आपको पता है कि कोई भी कंपाउंड यदि वन मोल है, तो वन मोल का मतलब क्या होता है? वन मोल इज इक्वल टू उसमें कितने पार्टिकल होते हैं? 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23, मतलब कि वन मोल सी टू एच सिक्स कंटेन 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23 नंबर ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल्स मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो थ्री मोल सी टू एच सिक्स कंटेन 3 इंटू 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23, तो ये आ जाएगा 18.07 इंटू 10 टू दी पावर 23 या 1.07 इंटू 10 टू दी पावर 24। कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे इसके थ्री मोल में। नेक्स्ट क्वेश्चन 1.11, व्हाट इज द कंसेंट्रेशन ऑफ शुगर इन मोल पर लीटर। कंसेंट्रेशन पूछा है लेकिन मोल पर लीटर में पूछा, मतलब ये मोलरिटी किसकी पूछ रहा है? शुगर की मोलरिटी पूछ रहा है, मोल पर लीटर मतलब की मोलरिटी को पूछ रहा है। इफ इट्स 20 ग्राम डिसॉल्व इन इनफ वाटर टू मेक अ फाइनल वॉल्यूम अप टू 2 लीटर, तो इसने आपको वॉल्यूम भी बताया हुआ और नंबर ऑफ मोलरिटी की डेफिनेशन क्या होती है? मोलरिटी इज इक्वल्स टू होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो सॉल्यूट अभी हमारा यहाँ पर क्या है? शुगर C12H22O11, शुगर का फॉर्मूला डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो नंबर ऑफ मोल्स जो है ये क्या होते हैं? मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो यहां पर मैंने लिखा मास ऑफ शुगर डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ शुगर इंटू वॉल्यूम इन लीटर। तो देखिए मोलरिटी के लिए मास हमें कितना दिया हुआ है? 20 ग्राम। इस मास को ही हमें किसमें कन्वर्ट करना है? नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट करना है। तो 20 डिवाइडेड बाय इसका मोलर मास जो होता है वो 342 होता है। आप कैलकुलेट करेंगे कार्बन कितना दिया हुआ है? C12, मतलब एक कार्बन का मास होता है 12 और कार्बन खुद कितने हैं? 12। फिर हाइड्रोजन कितना दिया हुआ है? हाइड्रोजन का मोल एटॉमिक मास होता है 1 और हाइड्रोजन दिए कितने हुए हैं? 22। और ऑक्सीजन का मास होता है 16, ऑक्सीजन कितने दिए हुए हैं? 11। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे टोटल करेंगे आपको तो कितना आएगा? 342 इंटू वॉल्यूम कितना, कितने वॉल्यूम में हमको बनाना है? 2 लीटर में हमें बनाना है, लीटर में दिया हुआ है। तो मोलरिटी कैलकुलेट होकर हो जाएगी 0.29 मोल पर लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1.12, 12 नंबर का क्वेश्चन है। द डेंसिटी ऑफ मेथनॉल इज 0.793 किलोग्राम पर लीटर, व्हाट इज इट्स वॉल्यूम नीडेड फॉर मेकिंग 2.5 लीटर ऑफ इट्स 0.25 एम सॉल्यूशन। देखिए इसमें ये बोल रहा है कि कितनी मोलरिटी का सॉल्यूशन कितने वॉल्यूम में आपको बनाना है? इससे बनाना है, इससे बनाना है, इस डेंसिटी से बनाना है, तो इसके कितने वॉल्यूम आपको चाहिए वो ये बोल रहा है, ठीक है। तो पहले तो हम ये पता करें कि ये जो मोलरिटी दी हुई है तो इसमें नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं। यदि हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल लें तो हम नंबर ऑफ मोल्स से मास को हम निकाल सकते हैं, तो हमें पता चल जाएगा कि इस कंसेंट्रेशन में कितने ग्राम प्रेजेंट है।
क्योंकि यहाँ हमें वैल्यू किसमें दी हुई है, किलोग्राम में दी हुई है। तो हम क्या करेंगे, ये जो मोलरिटी दी हुई है इसको पहले कन्वर्ट करेंगे हम किसमें, मोल निकाल लेंगे हम मिथेनॉल। तो मोलरिटी इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर। तो मोलरिटी इसकी कितनी दी हुई है, 0.25। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट मतलब यहाँ पर क्या, मिथेनॉल CH3OH डिवाइडेड, वॉल्यूम हमें कितना दिया है 2.5 लीटर में दिया, ठीक है। तो इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 2.5 इंटू 0.25 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इसके आगे CH3OH के। यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगा 0.625 एंड ऑफ CH3OH। अब देखिए जब आपके पास नंबर ऑफ मोल्स है तो आप इसका मास भी निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स इंटू मोलर मास इज इक्वल्स टू क्या होता है मास। तो आपने 0.625 को उसके मोलर मास से मल्टीप्लाई किया। CH3OH का मोलर मास क्या होगा, कार्बन का होता है 12, हाइड्रोजन 3, ऑक्सीजन 16 एंड हाइड्रोजन 1। तो ये टोटल हो जाएगा 32 इसका मोलर मास आया, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई किया 32 से, तो मास ऑफ मिथेनॉल को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 20 ग्राम। अब आपके पास देखिए किसका मास है, मिथेनॉल का मास आ गया, ठीक है। यहां पर आपको क्या बोला है, 0.793 किलोग्राम पर लीटर में प्रेजेंट है, है ना। ये डेंसिटी दी हुई है आपको, तो डेंसिटी से आपको क्या पता चल रहा है कि 0.793 इस केजी को मैं कन्वर्ट कर लू ग्राम में तो 10^3 ग्राम प्रेजेंट इन 1000 ml। सो 20 ग्राम कितने में प्रेजेंट होगा, हम वॉल्यूम निकालेंगे यहां से, तो वॉल्यूम हो जाएगा 1000 × 20 डिवाइडेड बाय 0.793 × 10^3। कैलकुलेट करके यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा वॉल्यूम 25.2 ml, ये ठीक है। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, आप इसको M1V1 वाले फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, आप इसको सॉल्व ठीक है उस वे में भी कर सकते हैं। और थर्ड आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं कि देखिए यहाँ पर इसका मास कैलकुलेट हो गया, तो डेंसिटी इज इक्वल, डेंसिटी आपको दी हुई थी, तो डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो यदि आपको वॉल्यूम चाहिए तो मास से आप क्या कीजिए, डेंसिटी को डिवाइड कर दीजिए। तो मास 20 डिवाइडेड बाय 20 ग्राम में इसको यदि आप डिवाइड करेंगे 0.793 किलोग्राम। अब ये किलोग्राम है, मैं इसको ग्राम में कन्वर्ट कर लू, तो ये ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए मैंने 10^3 में इसको कन्वर्ट किया, ठीक है। अब ये कैलकुलेट होकर वैल्यू किसमें आएगी, लीटर में आएगी, तो वैल्यू होगी 0.025 लीटर। इसको ml में कन्वर्ट करेंगे तो बस वही आ जाएगा 25 ml। ऐसे भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं।